अक्सर ये होता है कि विश्वविद्यालय के चुनाव विश्वविद्यालय तक ही सीमित रहते हैं। छोटी मोटी जो है छात्र संगठनों के बीच आपसी झड़प, बहसबाजी, वाद विवाद, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो सीन दिल्ली विश्वविद्यालय में देखने को मिला है वो बहुत ही गंभीर है। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय देश का एक ऐसा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जहां पर सिर्फ देश के ही नहीं दूसरे देश के भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। और आज बार बार जो है बीजेपी कहती है कि ये डिजिटल इंडिया है, तो इस तकनीकी क्रांति के दौर में कहीं की बात कहीं तक पहुंचती है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायलेंस के वीडियो वायरल हो रहे हैं, स्वाभाविक है कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं या जो थर्ड ईयर से में हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, उन सब के परिवारों को चिंता होगी। तो इस संबंध में हम आपसे कुछ बातें रखना चाहते हैं। सबसे अव्वल तो ये आप लोगों ने सुना होगा, भगत सिंह ने कहा है कि बम और पिस्तौल कभी इनकलाब नहीं लाते, मतलब बम और पिस्तौल से बदलाव रोका भी नहीं जा सकता है। ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं ही। ऐसे सिचुएशन में जिस तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा एक खास संगठन को, एक खास तरह की विचारधारा को पोषित करने वाले लोगों को जो एक पावर का मिसयूज करके प्रोटेक्शन दे रही है, तो कहीं ना कहीं जिनके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति है, गुंडागर्दी की प्रवृत्ति है, उनको बल मिल रहा है। और वो लगातार जो एक गौरवशाली चीज है, भारत में 750 से ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गिने चुने विश्वविद्यालय में चुनाव होते हैं, उसमें से दिल्ली विश्वविद्यालय एक है। और ये छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक अहम वक्त है जब आप अपनी लोकतांत्रिक अधिकारों को समझते हैं, सीखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है।